पहले तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के सबको बहुत बहुत बधाई। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज के दिन में एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जम्मू कश्मीर ई गवर्नेंस में नंबर ऑफ सर्विसेज में पहले स्थान पे आ गया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जब ये यात्रा शुरू हुई थी 2019 में, तो अगर याद करें 2019 में मुश्किल से 35 सर्विसेज की मांग थी, और ये आज से एक डेढ़ साल के आसपास में लोगों ने ये डिजिटल गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़े और आज 1016 सर्विसेज ऑनलाइन होने हैं। जैसा जम्मू कश्मीर में संभव है, क्योंकि यहाँ के लोगों में जो आगे बढ़ने की चाहत है, और ये मैं बहुत समझ समझ के बोल रहा हूँ, आगे बढ़ने की जो चाहत है यहाँ पे वो बहुत कम जगह देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ये जो गंदरबाल में हो रहा है, आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे में होती है, जैसे कि फिज़िकल फिटनेस तो है ही, लोगों में स्पोर्ट्समैनशिप आ जाती है, एंड देन अगर कोई इशू है, मेंटल इशू है, फिज़िकल इशू है, उससे इम्प्रूव भी हो जाता है। जैसे ड्रग्स का एडिक्शन हो गया होगा, तो यू कैन इम्प्रूव इट बाई फिज़िकल एक्टिविटीज़, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर हम देखेंगे इस लिहाज से कि यहाँ पर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है ये कॉलेज, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तो ड्रग्स से ये सब चीज़ों से, जो आज की अगर हम सबसे बड़ी बात करें एंग्जाइटी और मेंटल स्ट्रेस जो है वो आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और उसको एक्वायर करने के लिए या उसको कॉन्कर करने के लिए स्पोर्ट्स एक सबसे बड़ा एलिमेंट मानता हूँ मैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोग खेलते हो तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक रिलीज हो जाता है और काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड इट्स गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट आल्सो।